मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। कक्षा पहली से लेकर चौथी, छठवीं, सातवीं और नवीं और ग्यारहवीं का परिणाम जारी हो चुका है। ऐसे में राज्य में सरकारी और गैर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में सोमवार को इस शिक्षण सत्र 2021 और 22 का अंतिम कार्य दिवस था। ऐसे में 17 मई से 30 जून तक छात्रों को ग्रीष्म अवकाश की छुट्टियां दे दी गई है। छात्र अब वापिस 1 जुलाई को स्कूल जाएंगे, जबकि शिक्षकों का 23 जून तक ग्रीष्म अवकाश रहेगा। शिक्षकों को 24 जून से स्कूल जाना होगा। वैसे आपको बता दूं, अभी भी स्कूलों में 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षाएं चल रही है। अगली बड़ी खबर और राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। राजस्थान में मानसून को लेकर काफी अच्छी खबर सामने आ रही है, क्योंकि केरल में 27 मई को ही मानसून आ सकता है। राजस्थान में इस बार 10 दिन पहले मानसून आने के संकेत मिले हैं। भारतीय मौसम केंद्र नई दिल्ली के मुताबिक देश में सबसे पहले केरल में 27 मई को मानसून के आने की संभावना है। केरल में मानसून प्रवेश होने के बाद राजस्थान की सीमा तक आने में औसतन 20 से 22 दिन का समय लगता है। राजस्थान में मानसून इस बार 7 से लेकर 10 दिन यानी कि जून के दूसरे सप्ताह के बाद प्रवेश कर सकता है। वैसे मौजूदा स्थिति की बात करें तो राजस्थान में भीषण गर्मी और लू से हल्की राहत मिली है। प्रदेश में सोमवार को 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और अगले 24 घंटों के दौरान मंगलवार को झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू में धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है। अगली बड़ी खबर, सोने और चांदी की कीमतों में बीते कुछ समय से उतार चढ़ाव का दौर जारी है। ऐसे में जयपुर सराफा बाजार खुलने के बाद सोने की कीमतों में जहां कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है, वहीं चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। सोमवार को जारी हुए भावों के अनुसार जयपुर में 24 कैरेट सोने का भाव 51,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोने की बात की जाए तो जयपुर में 49,600 रुपए प्रति 10 ग्राम जेवराती सोना रहा। चांदी 100 रुपए टूटकर 61,500 रुपए प्रति किलो रह गई है। अगली बड़ी खबर, कक्षा 6 की बच्ची पर गुरुजी की बिगड़ी नियत, अपहरण करके किया दुष्कर्म, मामला पुलिस थाने में दर्ज हो चुका है। दरअसल जयपुर के करधनी थाना इलाके में एक छठी कक्षा की बच्ची के साथ अध्यापक के अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। अध्यापक ने बच्ची के साथ एक सूने मकान में दुष्कर्म किया और फरार हो गया। बच्ची ने आप बीती अपनी मां को बताई। मां ने करधनी थाने में आरोप के खिलाफ अपहरण, रेप, मारपीट और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया है। राजस्थान की किसानों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। राजस्थान में समर्थन मूल्य पर चने की खरीद लगातार हो रही है। समर्थन मूल्य पर खरीद पर किसानों का अच्छा रुझान देखा जा रहा है। चने की खेती करने वाले किसानों को बड़ा तोहफा मिला है। रुझानों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 10% पंजीयन सीमा को बढ़ा दिया था। अब राज्य सरकार की कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को खरीद का लाभ मिल सके। सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना का कहना है कि खरीद में लगातार उछाल आ रहा है। समर्थन मूल्य पर चने की खरीद में लगातार तेजी आ रही है। केंद्र सरकार द्वारा चने का समर्थन मूल्य 5230 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया हुआ है। इससे चने की खेती करने वाले किसानों को आने वाले समय में भी अच्छा मुनाफा हो सकता है। अगली बड़ी खबर, जिस बात का डर था वही हुआ, क्योंकि राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भी अब पेपर लीक होने की खबरें सामने आ चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निजी परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र के स्क्रीनशॉट हुए वायरल। अब झोटवाड़ा से 14 अप्रैल को यह स्क्रीनशॉट वायरल हुए हैं। एसओजी ने इसको लेकर अब मामला भी दर्ज किया है और 9 लोगों को नामजद भी कर लिया। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी अपडेट ये आ रही है, 14 मई को द्वितीय पारी की परीक्षा दोबारा होगी। पूरे प्रदेश में द्वितीय पारी की परीक्षा दोबारा होगी। डीएसपी एमएल लाठर ने यह फैसला लिया। दरअसल यही कारण होता है जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं है कि यह भी सरकारी नौकरी लग सकता है। पेपर लीक की वजह से कई फर्जी व्यक्ति भी सरकारी नौकरी का लाभ उठाते हैं और जो मेहनत करते हैं वह कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं। बीकानेर से अगली बड़ी खबर, बीकानेर के छोटे से कस्बे नापासर में शोक की लहर दौड़ गई है। यहाँ की जज बहू सरोज चौधरी की सड़क हादसे में मौत हो गई। सरोज परिवार वालों को हमेशा सरप्राइज दिया करती थी। इस बार भी सरोज को एक पारिवारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए न्योता दिया गया था, लेकिन पहले उन्होंने मना कर दिया। परिवार को सरप्राइज देने के लिए वह घर से निकल गई, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि सोमवार को सुबह ऐसी दुखद खबर मिली। सरोज चौधरी की गाड़ी एक बोलेरो से जा भिड़ी, जिससे सरोज चौधरी की मौत हो
हो गई। एक और बड़ी खबर डूंगरपुर से, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी सोमवार को वेणेश्वर धाम पर हाई लेवल पुल के शिलान्यास में पहुंचे। शिलान्यास के बाद राहुल गांधी ने जन समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी की सभा में काले कपड़े पहनकर आने वाले लोगों को पुलिस ने रोक लिया। दरअसल गहलोत सरकार को डर यह था कि कोई राहुल गांधी को काले झंडे न दिखाए, इसके चलते लड़कियों के दुपट्टे तक उतरवा लिए गए, जिसके बाद वहां मौके पर काले कपड़ों का ढेर लग गया। तो फिलहाल यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।